हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल अकाउंट के बारे में। आप लोगों को बताएंगे आप लोग अपना गूगल अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं, प्लस बात करेंगे प्ले स्टोर की आईडी के बारे में, आप लोग प्ले स्टोर पर किस तरह से लॉग इन कर सकते हैं या फिर साइन इन कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे गूगल अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं अपने मोबाइल से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपको गूगल अकाउंट बनाना नहीं आता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, गूगल अकाउंट बनाने से पहले बात कर लेते हैं गूगल अकाउंट की जरूरत आपको कहां कहां पर पड़ सकती है। देखिए, अगर आपका गूगल अकाउंट है तो आप लोग उससे फोन पे का अकाउंट बना सकते हैं, गूगल पे का अकाउंट बना सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी को मेल वगैरह करना है तो भी आपको गूगल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जीमेल की। जीमेल आईडी के थ्रू आप लोग किसी को भी मेल वगैरह कर सकते हैं, यानी कि अपना सीवी वगैरह या फिर कोई भी पीडीएफ वगैरह डॉक्यूमेंट्स है आपके पास तो आप मेल के थ्रू वो भेज सकते हैं। अब बात करते हैं कि गूगल अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, तो मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं और वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि मोबाइल से आप लोग अपना गूगल का अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि गूगल अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। आपको अपना मोबाइल ओपन कर लेना है और वहाँ पे चले जाना है आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे आपको जो सेटिंग्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, गूगल का एंड अकाउंट का। तो आपको अकाउंट्स वाले सेक्शन में चले जाना है, यानी कि इस वाले में। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट का जो ऑप्शन नजर आ रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। हम ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा आप लोग किस तरह का अकाउंट बनाना चाहते हैं, यानी कि एयरटेल का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, बॉटिम का। तो आपको बनाना है गूगल अकाउंट, तो आपको गूगल पर क्लिक कर देना है। हम गूगल पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड डालना है मोबाइल का, तो हम यहाँ पे पासवर्ड डाल के आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ईमेल और फ़ोन का ऑप्शन नज़र आएगा, मगर आपको यहाँ पर कुछ भी क्लिक नहीं करना। आपको जाना है नीचे वाले सेक्शन में, जो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको नया गूगल अकाउंट बनाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, फॉर माई सेल्फ और टू मैनेज माई बिजनेस। आपको फॉर माई सेल्फ पर क्लिक कर देना है क्योंकि आप अपना अकाउंट बनाने जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पे पूछेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी कि आपका जो गूगल अकाउंट है वो किस नेम से शो होगा, यानी कि अगर आप किसी को भी मेल वगैरह भेजते हैं तो आपका वो इसी नाम से जाएगा मेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेम डाल देते हैं, यानी कि अगर किसी को भी हम मेल भेजेंगे तो हमारा जो नेम शो होगा वो यही नेम शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालते हैं राहुल कुमार। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम यहाँ डाल देते हैं कुमार। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपसे आपकी जन्म तिथि पूछेगा, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे हम ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं 1998, और अपना मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे डे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पूछेगा आपका जेंडर क्या है, यहाँ पे हम मेल सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको अपनी जीमेल आईडी डाल देनी है, यानी कि जिस आईडी से आप लॉगिन करेंगे हर बार। आपको ऐसी जीमेल आईडी सेलेक्ट करनी है जो किसी के पास ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने नेम डाला है हम उसी के नाम से रिलेटेड डालते हैं, राहुल कुमार। उसके आगे आपको ऐसे डिजिट्स डालने हैं जो किसी के पास ना हो, तो यहाँ पर हम 3439 डालते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कि ये नेम किसी और ने ले रखा है, तो हम फिर से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डालते हैं हम 9368। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, तो देखिए उसके बाद आपके सामने खुद ऑप्शन नज़र आएगा कि इस टाइम ये नेम अवेलेबल है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी आईडी हो गई rk865474@gmail.com, यानी कि जब भी हम लॉगिन करेंगे तो हमें ये आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि पासवर्ड क्या है आपका, मतलब आप पासवर्ड क्या डालना चाहते हैं। आपको अपना पासवर्ड ऐसा लेना है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारा नाम है राहुल कुमार, तो आपका डालना है rahul@$123। ठीक है, ये पासवर्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ये आपको कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, उसके बाद पासवर्ड डालता हूँ, फिर नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पासवर्ड जो है वो डाल दिया है, अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि पासवर्ड डज नॉट मैच, यानी कि ऊपर वाला पासवर्ड नीचे वाले पासवर्ड से मैच नहीं कर रहा, तो हम फिर से डाल देते हैं।
सो फ्रेंड्स पासवर्ड डाल के जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक करा तो हमारा जो गूगल अकाउंट है वो बन चुका है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारा गूगल अकाउंट बन चुका है, अब यहाँ पर हम स्किप कर देते हैं और हमारा जो गूगल अकाउंट है वो पूरा तरीके से तैयार है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए रिव्यू योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एग्री कर लेनी है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा, यानी कि आपका गूगल अकाउंट तैयार है बनके। सो फ्रेंड्स उसके बाद हम आपको लॉगिन करके भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने गूगल अकाउंट ओपन कर रखा है ओपरा ब्राउज़र पे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी वो ईमेल डाल देनी है, यानी कि जो हमने सेलेक्ट करी थी RK8654747। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा पासवर्ड क्या है, हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। पासवर्ड के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने साइन इन कर दिया है और हमारा जो गूगल अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अभी सिर्फ जो है एक ही एक तरीके से मेल पड़ा है, जो कि गूगल की तरफ होता है कि आप अपनी सेटिंग्स वगैरह सेव कर लिए, ठीक है। फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गूगल अकाउंट मोबाइल से सबसे ईजी वे में किस तरह से बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, वहां जाके वहां पे भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।